वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर कयास तेज चल रहे हैं। अमेठी से उनके चुनाव लड़ने की बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कर चुके हैं और अब अमेठी तो अमेठी, आजम खान के रामपुर से भी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की मांग उठने लगी। हजरते लखनऊ, बसरते कानपुर, सुरमई है बरेली और कातिलाना है रामपुर। जी हाँ, अगर इस मशहूर शेर के अल्फाजों की बात की जाए तो सियासी तौर पर रामपुर कातिलाना ही नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं नवाबों के शहर रामपुर की, जहां बच्चा बच्चा सियासत की अच्छी खासी जानकारी रखता है। यहां पर लंबे समय तक लोकसभा की सीट कांग्रेसियों के कब्जे में ही रही है, लेकिन वक्त के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नवाब खानदान को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं का दायरा लगातार घटता चला गया, लेकिन इन सब के बावजूद राष्ट्रीय लोक दल के नेता मोहम्मद उस्मान बबलू ने राहुल गांधी के यहां से लोकसभा चुनाव लड़ाने की बाकायदा हाथों में तख्तियां लेकर मांग कर डाली है। उनकी इस मांग ने यूपी के सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के रुहेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान बबलू का रामपुर गृह जनपद है। वह अपने साथियों के साथ नैनीताल नेशनल हाईवे स्थित घंटाघर पार्क में एकत्र हुए और उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां लेकर रामपुर से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लोकसभा का चुनाव यहीं से लड़ने की मांग कर डाली। रालोद नेता मोहम्मद उस्मान बबलू और उनके समर्थकों के हाथों में रालोद के झंडे के अलावा राहुल गांधी रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े लिखे हुए तख्तियां भी मौजूद थी। रालोद नेता मोहम्मद उस्मान बबलू के मुताबिक जनपद रामपुर में कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा है और सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के ही सदस्य यहां से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। अब एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल अपनी पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से राहुल गांधी को लोकसभा का चुनाव लड़ाने की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि अगर राहुल गांधी रामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो यहां उन्हें देश में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने का काम किया जाएगा और इसके बाद राहुल गांधी तमाम उम्र रामपुर की जनता के इस प्यार को कभी नहीं भूल पाएंगे। जो जनपद रामपुर में हमेशा से कांग्रेस का जो है सांसद रहा है ज्यादातर, तो हम ये चाहते हैं कि जनपद रामपुर में राहुल गांधी आए और यहाँ चुनाव लड़ें, क्योंकि RLD राष्ट्रीय लोकदल जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने भी चिट्ठी लिखेंगे और राहुल गांधी जी को भी चिट्ठी लिखेंगे कि मतलब जो है जनपद रामपुर में आन के वो चुनाव लड़ें और भारी मतों से जिताने का काम राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उन्हें करेगा। तो ये मकसद है इसके पीछे? ये मकसद है क्योंकि आजम खां की मुश्किलें बरकरार हैं, आजम खां चुनाव लड़ नहीं सकते, तो हम ये चाहते हैं कि भारी भरकम नेताओं में राष्ट्रीय लोकदल ये चाहता है कि राहुल गांधी जनपद रामपुर से आए और लोकसभा का चुनाव लड़ें और जिताने का काम राष्ट्रीय लोकदल हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का है, हम जिताएंगे उन्हें। तो कैसे में क्या आइडिया हमारा, तो देखो राजनीतिक जीवन है, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और हर टाइम राजनीति के मूड में रहते हैं हम, तो कारोबार। यूपी न्यूज 9 के लिए रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।